फ्रेंड, स्वागत है आप सबका रेसिपी बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं राइस कचौरी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। एक पतीला लिया है, गैस अभी मैंने ऑन नहीं किया है। 2 कप पानी रखेंगे, गैस ऑन करेंगे। पानी में एक छोटे साइज का कट किया हुआ प्याज डाल लेंगे, 1 टीस्पून बारीक कट किया हुआ लहसुन, 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कट किया धनिया पत्ता, 2 बारीक कट की हुई हरी मिर्च, 2 चम्मच ऑयल, 1 टीस्पून जीरा, 1 पिंच हल्दी पाउडर, 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक। मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को और उबाल आने देंगे। पानी में अच्छे से उबाल आने लग गया है। यहाँ पे 2 कप चावल का आटा लिया है, उबलते हुए पानी में डाल लेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से, गैस ऑफ कर लेंगे, ढक्कन लगा के 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे एक थाली ले लिया है, आटा रख लेंगे थाली में। आटे को मैंने थाली में रख लिया है, आटा अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। एक ग्लास ले लिया है मैंने, ग्लास की पेंदी से हमें गरम आटे को ऐसे मसल मसल के गूंथना है। थाली को ऐसे चारों तरफ घुमाते हुए आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। आटे को मैंने ग्लास से अच्छे से मसल लिया है, थोड़ा सा ठंडा हो चुका है आटा। इकट्ठा करेंगे आटे को, थोड़ा सा पानी लेंगे, आटे को अच्छे से चिकना होने तक गूंथेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे जरूरत के अनुसार। 1 चम्मच ऑयल डाल लेंगे थाली में, आटे को चिकना कर लेंगे। आटे को मैंने अच्छे से चिकना होने तक गूंथ लिया है। यहाँ पे चकला ले लिया है, चकले के ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे, बेलन के ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे। नींबू इतना पोर्शन लेंगे आटे से, लोइया बनाएंगे। चकले के ऊपर रखेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे हाथों से हल्का हल्का, बेलन से बिल्कुल हल्के हाथों कचौरी को बेलेंगे। ज़्यादा प्रेस करके बेलेंगे तो चकले पे चिपक जाएगा। साइडों से हल्का समेटते हुए चिकना कर लेंगे, एक प्लेट में रखते जाएंगे। बस ऐसे ही सारी कचौड़ियाँ बेल कर तैयार कर लेंगे। सारी कचौड़ियाँ बेल कर तैयार कर लिया है। कचौड़ियाँ बेलते टाइम अगर चकले पे चिपके तो चकले के ऊपर प्लास्टिक शीट बिछा सकते हैं या फॉयल पेपर डाल लें, कचौड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, ऑयल चेक कर लेते हैं। टूथपिक लिया है, ऑयल में डिप करके देखेंगे, काफ़ी अच्छे बबल्स उठ रहे हैं ऑयल से। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, कचौड़ियाँ डालेंगे गर्म ऑयल में। एक बार में जितना आसानी से फ्राई हो पाएगा उतना ही डालेंगे। जब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर पलट देंगे कचौड़ियों को। आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ ऑयल में तैरने लग गई है खुद से ही। हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, ऐसे ही हल्का प्रेस करते हुए कचौड़ियों को फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ कितने अच्छे से फूलने लग गई है, जैसे गेहूं के आटे की पूड़ियाँ फूलती हैं। पलट देंगे एक एक करके, थोड़ी थोड़ी देर पे उलट पलट करते हुए कचौड़ियों को क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। साइड से एक और कचौड़ी रख लेंगे। पहले वाली दोनों कचौड़ियाँ क्रिस्पी हो चुकी हैं, ऑयल से बाहर कर लेंगे। निकाल के टिश्यू पेपर के ऊपर रख लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। साइडों से और भी कचौड़ियाँ डाल लेंगे गरम ऑयल में। ये वाली कचौड़ी भी बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है, ऑयल से बाहर कर लेंगे। बाकी की कचौड़ियाँ भी सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमारे चावल की मसाला कचौड़ियाँ बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।